कृष्णा राधे राधे। कृष्णदास जी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? और आई होप सब ठीक हो गए। तो आज मैं आपको जो मैं अपने कान्हा जी के लिए वाइट बटर जो सफ़ेद मक्खन होता है वो कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। ये मलाई ये 3-4 दिन की मैं इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर उसका मैं मक्खन निकालती हूँ। देखिए तो ये सब मलाई मैंने इकट्ठी कर लिया है, मैं इस जार में डालूँगी ये मिक्सी के। इस तरह से अब मैंने ये सारी मलाई इसमें डाल दिया। और फिर मैं इसमें ढक्कन लगा के इसको ब्लेंड करूँगी। पहले अभी पानी नहीं डालूँगी मैं, तो पहले मैं ऐसे ही करूँगी। तो मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। सर्दी में थोड़ी सी मुश्किल आती है निकालने में क्योंकि ज़्यादा ठंडा होता है। मैं खोल लूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि आपको फिर पता लग जाएगा कैसे। फिर इसे आप 2-4 मिनट तक ऐसे ब्लेंड कीजिए। अब ये देखिए इसको मैंने एक मिनट या 2 मिनट ही मैंने ब्लेंड कराया, तो इसे इस तरह से गाढ़ी हो जाती है मलाई। फिर इसमें अभी और पानी डालना पड़ेगा तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है सर्दी में। या तो आप पहले बाहर निकाल के रख लो रूम टेम्परेचर के हिसाब से, फिर इसको फिर ब्लेंड करूँगी मैं 1 मिनट के लिए। मैं एक बार खोल के देखती हूँ। तो देखिए अब ये निकलना स्टार्ट हो गया है। अब इसे हम दोबारा मशीन चलाएंगे एक बार इसकी मिक्सी की। वैसे तो पानी की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी डाल देती हूँ, फिर अच्छे से क्लियर से निकल आएगा। ये देखो आपको दिख भी रहा होगा ऊपर बटर आ गया है सारा। तो ये मिक्सी जार में बहुत ईजिली बटर निकल जाता है। देखिए अब मैं इसको खोल के देख लेती हूँ क्योंकि बटर की जब निकलता है तो इसकी साउंड अलग हो जाती है, तो आपको पता लग जाएगा कि देखिए निकल गया बटर। और आपको मैं दिखाती हूँ निकाल के, ये देखिए तो ये बटर अलग आ गया और ये इसका पानी अलग से रह गया। ये मलाई है 3-4 दिनों के, देखो कितना सारा बटर निकला है। तो अब इसे मैं आपको धो के फिर दिखाऊंगी क्योंकि अगर ऐसे बटर निकल जाता है तो इसमें खटास रहती है। तो इसको कम से कम हमें जब तक धोना चाहिए जब तक इसका जो बटर का जो पानी है जैसे दूध वाला पानी निकलता है वो ना निकले, साफ पानी निकलने लग जाए जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं, तब इसका मतलब ये है कि आपका बटर ये आराम से 1 हफ्ता चल सकता है। क्योंकि रो रो तो हमें ना इतना टाइम होता ना इतना हम वो कर सकते कि डेली बटर निकालें। तो और क्योंकि मार्केट से भी लोगे तो वो तो पता नहीं कितने कितने दिनों का होता है, ये हमें घर का पता होता है। ठीक है, तो इस तरह से ही मैंने बटर निकाल दिया। अभी आपको जब धो के फिर दिखाती हूँ। अब ये मैंने साफ बाउल ले लिया है, अब मैं इसमें ये बटर निकाल दूँ क्योंकि मैंने धोना है और धो के अलग बर्तन में भी रखना होता है। तो मुझे ये घर में ईजी रहता है ऐसे बटर निकालना। मार्केट से कई बार तो अच्छा अगर लाओ मिल जाता है, कई बार पता नहीं कैसा मिलता है, अजीब सा ही होता है वो ना। तो क्योंकि प्रसाद के रूप में फिर हम बाद में हम लोग खाते हैं या फिर घी निकाल लेते हैं उसका जो बटर बचता है। मैं आपको घी निकाल के भी दिखाऊंगी जो अगर बटर का प्रसाद बच जाता है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया, अब इसे मैं धो के दिखाती हूँ। अब इसमें देखो पानी डालूँगी और ये कड़छी को मैं तो हाथ से ही कर लेती हूँ क्योंकि इससे होता तो है नहीं। तो आजकल तो वैसे भी थोड़ा ठंडा है तो बटर जमा ही रहता है, लेकिन गर्मियों में जैसे हम निकालते हैं ना तो पिघलना शुरू हो जाता है, उसके लिए फिर बहुत चिल्ड पानी आपको डालना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से मैं अच्छी तरह इसको खोल के वॉश करती हूँ। अब इसको फिर और डालूँगी पानी में। देखो दूसरी बारी में ही थोड़ा साफ होने लग गया ये, तो मतलब फिर भी मैं 4-5 बार कर देती हूँ ताकि इसके अंदर बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत खट्टापन भी है, क्योंकि फिर बटर अगर ये अच्छी तरह साफ़ कर दो तो ना तो कड़वा लगता है और चल जाता है आराम से 1 हफ्ता।
इतने दूसरी मलाई इकट्ठी हो जाती है निकालने के लिए। तो ये मैंने फिर इसमें पानी डाल दूँगी। बाज़ार का मैं कम ही लाती हूँ बटर, लेकिन ये होता है बाई चांस मैं नहीं निकाल पाई इमरजेंसी, तब मैं मजबूरी में लाती हूँ, बट मुझे अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं कैसा अजीब सा निकलता है बाज़ार का। देखिए ये जब तक ये दूध का पानी बिल्कुल एकदम नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक मैं इसको निकालती रहूँगी। मैं आपको ये बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ ये धोने का, इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रही। तो आप ये देखिए, हाँ देख क्लियर हो गया ना पानी, तो इस तरह से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। बस हो गया, अब एक बार और डालूँगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखिए साफ़ हो गया, तो फिर मैंने थोड़ा ही डाला है। तो देखिए ये मेरा बटर निकल के तैयार हो गया, मैं इसे उठा लूँगी। और अब देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल का, ये लड्डू बटर का लड्डू तैयार हो गया। और इसको मैं एक कंटेनर में रख दूँगी, प्लास्टिक वाले में, प्लास्टिक में आप जिसमें भी रखिए, क्योंकि डेली डेली कई बार बच्चे पकड़ते हैं, हम भी पकड़ते हैं जल्दी में, तो मैं इसे मैं बॉक्स में रख देती हूँ। छोटे में रखिए, बड़े में रखिए। तो इस तरह से मैं सारा पोंछ लूँगी, क्योंकि बटर वेस्ट नहीं जान देती है। फिर जब मैं इसमें डाल देती हूँ, फिर इसको इस तरह से स्प्रेड कर देती हूँ सारी तरफ से, फैला देती हूँ, क्योंकि फिर आराम से इसमें एक चम्मच डाल देती हूँ, तो जब थोड़ी पतली लेयर हो जाती है तो सुबह सुबह जल्दी होती है, तो अपना निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें मैं कृष्णा लिख देती हूँ, कि जितना लिखा जाता है उतना इसमें लिख देती हूँ कृष्णा करके। तो आइए, मैंने बटर निकाल दिया आपका, हरे कृष्णा। अब ये देखिए मैंने ये बटर निकाल दिया, सफर है ये देखिए। और इस तरह से मैं इसमें एक चम्मच डाल देती हूँ, ताकि सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, तो और लीड लगा दूँगी। तो ये मेरा कान्हा जी का बटर तैयार है, और ये मैंने कान्हा जी का भोग बना दिया सुबह का मक्खन का। तो आपको ये, और इसके साथ मैं मिश्री रख के दूंगी कान्हा जी को। तो आपको ये कान्हा जी की ये जो मक्खन की वीडियो मैंने जो निकाला है, आपको कैसी लगी ये भी एक रिक्वेस्ट थी। तो अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और इसी तरह आप मक्खन ज़रूर निकालना कान्हा जी के लिए। और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे लड्डू गोपाल की वीडियो देखते रहिए। जय श्री राधे।